अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बालापुर पीएस लिमिट हबीब कॉलोनी वार्ड नंबर 8 में आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया पुलिस की जानिब। यहाँ पर कुछ लोगों से मिलकर बात की, लोगों को समझाया, और जो बच्चे, छोटे बच्चे जो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं उनके भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी जो है पुलिस ने पब्लिक को बोला है कि अपने बच्चों को गाड़ी ना दे, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। पुलिस को चाहिए कि हर 8 दिन में एक मरतबा इस तरह का प्रोग्राम रखने पर शायद हो सकता है जो लोग अनासर लोगों को डराते हैं, धमकियां देते हैं, वो लोग काबू में आए और कोई क्राइम ना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आइए जानते हैं तफसीलात टीआरएस लीडर यूसुफ पटेल से। बाप को बच्चा तंडी की ना और को जते जल सदी ये इला जल सदी ना बाद में राय नाटे जिसको पता लगा लगे इला जिसको पता बच्चा को जो गाड़ी 18 इयर्स प्लस रहना है, कंपास आने ड्राइविंग लाइसेंस रहना है, ठीक है। उन लोगों को बच्चों को नक दो, उन लोग बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। याद रख लो हेलमेट रखना है, आप लोग अभी गाड़ी पे गए तो हेलमेट कंपास रखना है और इंश्योरेंस भी रखना है। टू व्हीलर में इंश्योरेंस नहीं रहते, अब जाके उन्हों को कुत्ता आए, गिर गए, मर गए, पाम उठ गए, तो कुछ भी मारा लगे तो पैसे लाखों में खर्च होता। कौन देता भाई इंश्योरेंस को? कितने होता? 10,000 होता, 5,000 होता टू व्हीलर पुराना गाड़ी को, पूरा इंश्योरेंस वाला देख लेते, ठीक है। इंश्योरेंस बराबर कर लेना, बच्चों को गार्ड मत दो, ठीक है। तो कोई भी ड्राइविंग नहीं करना है, ठीक है, ढंकन ड्राइव, ठीक है, हेलमेट कंपल्सर लगाना है, बच्चों को भी नको दो, ठीक है। छोटे बच्चे कोई गाड़ी चला रहे डरने का मतलब क्या था? क्या हमको पुलिस स्टेशन को ले जा देंगे, बुला देंगे, कितने बार टकरा मार, ठीक है। और एक बात क्या है, आप बोल रहे ना, आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं ना वो सीक्रेट में ही रहते, वो नाम किसके भी बाहर नहीं आते, ठीक है, नहीं बोलते, ठीक है। आप लोगों भी మీరు కూడా ఇలా పేరు కంప్లైంట్ పార్టీకి అక్యూర్డ్ పార్టీ రెస్పాండెన్స్ చెప్పదు, వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చిండు, అది సమస్య, మరోసారి ఎట్టి పనులు చెప్పదు, అభి నాయ్ బోల్తే చెప్పాలి, చెప్పి సై బాత్ బోలే, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन दे उन लोग के सीक्रेट रखते हैं, बाहर नहीं आते, ठीक है। इंफॉर्मेशन दो, आपको भरोसा दे हमें, राइट, आपको सपोर्ट है तो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। डरने की आज वार्ड 8 हबीब कॉलोनी झंडे के पास एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें हमारे CI साहब और SI और तमाम जो है ना यहाँ के सेक्टर्स के पूरे SI थे, और जितने भी पेट्रोलिंग के गाड़ी वगैरह इधर के एरिया में जो ज़्यादा गांजा पीकर ये एरिया में ज़्यादा बच्चे जो है छेड़ रहे कर रहे बच्चियों को, उस लिए बोलकर यहाँ से कंप्लेंट आए थे बोलकर CI साहब ने बताए। उस तरीके से यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा थे, और इसमें जैसा छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा, ये भी अपने वालदा वालिद को बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर से नहीं वो करेंगे तो कोई भी 100 डायल पे फोन करके बोलेंगे तो इमिडिएटली गाड़ी आकर वो लोग को, बच्चों को पकड़ के लेके जाएंगी। कुछ भी हो रहा है, कुछ अगर से कोई बाहर से नए लोग आकर यहाँ पे किराए से मकान ले रहे हैं तो उसके लिए भी आधार कार्ड उन लोग का एड्रेस प्रूफ पूरा लेकर वो लोग को जो है ना मकान देना चाहिए। या जितना भी क्राइम हो रहा है जलपल्ली में, ये शाहीन नगर के एरिया में, ये पूरे आउट ऑफ बाहर से आकर यहाँ पर लोग जो है ना क्राइम कर रहे हैं, तो ये लोगों पर भी नजर रख के यहाँ पर पब्लिक के बीच में आकर CI साहब यही समझाए SI साहब कि भाई एरिया में जो है ना पीसफुल रहना है, तो आवाम भी जो है ना जो भी तकलीफात है कुछ भी है तो यहाँ से वो लोग बताएंगे तो वो लोग को मालूम पड़ेगा कि भाई फलाने एरिया में एक नया शख्स आया हुआ है, फलाने एरिया में ऐसा ये नया घर लेकर ये लोग यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये फलाने एरिया में गांजा है, नशा के कुछ काम चल रहा है, तो ये बताए तो वो लोग को भी डिपार्टमेंट को मालूम होता। उस तरीके से डिपार्टमेंट भी जो है ना कार्रवाई करेंगे, बल्कि अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से आवाम को भी समझाए यहाँ पर CI साहब, SI साहब, और ये तमाम लोग भी जो है ना यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करते हैं CI साहब का और SI साहब का कि पीसफुल तरीके से ये एरिया में रहना बोलकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। इंशाल्लाह पूरा पेट्रोलिंग कर ये एरिया में पूरा पीसफुल कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम।